दिल्ली के साथ शुरुआत करेंगे, जहां पर कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच छठ पूजा को लेकर सियासत तेज हो गई। दरअसल बीजेपी ने केजरीवाल सरकार से जवाब मांगा है, तो वहीं आपका ये कहना है कि सार्वजनिक जगहों पर भीड़ जमा होने से खतरा पैदा हो सकता है। सार्वजनिक जगह पर अगर छठ को लेकर भीड़ इकट्ठा हुई तो संक्रमण बढ़ सकता है, इसीलिए सरकार ने इसकी मनाही की है। लेकिन इसके मद्देनजर अब तमाम घाटों पर छठ पर्व मनाने की मनाही है, लेकिन दिल्ली सरकार का विरोध किया जा रहा है। बीजेपी की ओर से तमाम कार्यकर्ता आज विरोध प्रदर्शन के लिए मौजूद थे सड़क पर। तो एक तरफ सार्वजनिक जगहों पर छठ पूजा की इजाजत नहीं है, तो बीजेपी ने यह सवाल आपसे पूछा है कि छठ पूजा पर ही पाबंदी क्यों लगाई जा रही है। केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी पूर्वांचल मोर्चा का यह प्रदर्शन, जिसकी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, पोस्टर और बैनर के साथ ये प्रदर्शन किया गया। वहीं साउथ एमसीडी ने कहा है कि इससे धार्मिक भावनाएं आहत हो रही हैं। पहले तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले छठ पूजा को ना इसको थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है। एक पॉन्ड में 50-100 लोग इकट्ठे खड़े होते हैं, और पानी जैसे 50-100 में से अगर 5 लोग पॉजिटिव हैं तो 100 में से जो बाकी 95 वो भी पॉजिटिव हो जाएंगे, तो उसके फैलने का बहुत डर है। इसको देखते हैं, ऐसा नहीं हुआ, देखो लोग लॉ अबाइडिंग है और ये पॉलिटिकल पार्टी ही कर सकते हैं, बाकी कोई नहीं। कुछ उनकी साजिश है थोड़ा, वो उत्तर प्रदेश बिहार के लोगों से और खासतौर से अभी बिहार की जीत हार से थोड़ा नाराज है, इसलिए छठ पे आरोप अपना पूरा अटैक किए हैं। मेरी प्रार्थना है अरविंद केजरीवाल जी, ऐसा मत करो। सोशल डिस्टेंसिंग सबसे ज्यादा छठ के लोग ही करते हैं, प्रसाद की शुद्धता भी वो मना ले जाते हैं, नहाए खाए से लेके और अंतिम अर्घ तक वो कैसे स्वच्छता होगी वो भी निभा लेते हैं। इनको छठ करने दो, ये लोग सोशल डिस्टेंसिंग के तहत ही करेंगे। ये सब राज्य सरकार के मामले हैं, हर राज्य सरकार को अपने तरीके से मैनेज करने का अधिकार है, वो मैनेज करे जैसे जिसको करना। केंद्र सरकार का इसमें कुछ मामला नहीं है, केंद्र सरकार वही बोलती है जहां केंद्र सरकार से मदद मांगी जाए या कुछ पूछा जाए। गवर्नमेंट के रूप में यही कहना चाहूंगा कि इस समय कोविड है और जिस तरह से हमने स्कूल बंद रखे हुए हैं, जिस तरह से हम और सारी चीज़ों को बंद रखे हुए हैं, शादी विवाह में 50-50 लोगों की रिस्ट्रिक्शन तक लगी हुई है, वे बहुत सारे और फेस्टिवल्स हैं जिन पर रिस्ट्रिक्शंस लगी, तो अगर हमारी महिलाएं खासतौर से जाके पानी में खड़ी होती हैं छठ के मौके पे, अगर वो होंगी तो उनको नुकसान हो सकता है, कोविड हो सकता है, और इस समय अनप्रेसिडेंटेड समय है, मतलब बहुत ही अप्रत्याशित तरीके से इसकी परेशानी आती है, तो हमें भी कुछ ना कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी मेजर्स तो लेने पड़ेंगे। तो वही दिल्ली से बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का सीधा निशाना केजरीवाल सरकार पर था, जिन्हें केंद्र से गाइडलाइंस मांगना दिखावा लगता है। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी हमारे साथ बातचीत करने के मौजूद हैं। आपने एक ट्वीट किया जिसकी वजह से काफी खलबली मची हुई है, कमाल के हैं नमक हराम मुख्यमंत्री केजरीवाल को आपने कहा है। छठ को लेकर के जो गाइडलाइन जारी की गई है उसको लेकर के आपने सवाल किया। हाँ, मेरे ऑफिस से ट्वीट है, तो देखिए मैं आपको एक ट्वीट दिखाना, अगर हमारे ट्वीट को आप ध्यान से पढ़ें तो हमारे ट्वीट में अरविंद केजरीवाल जी का एक ऑर्डर है, दिल्ली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ऑन वेडनेसडे इशूज डायरेक्शन टू अलाउ रेस्टोरेंट्स टू ऑपरेट 24/7। अरविंद केजरीवाल जी, मैं बड़ी विनम्रता से पूछना चाहता हूँ कि आप रेस्टोरेंट को 24 घंटा खोलकर चलाने की, शराब परोसने की, सब कुछ ओपन करने की ऑर्डर दे रहे हो और छठ माँ के पर्व को ही बैन कर दे रहे हो विद सेफ्टी नॉर्म्स, छठ भी हो सकती है ना भैया? आप भीड़ मत जाने दो, आप संख्या निश्चित करो, एक छठ व्रती के साथ 5 से ज्यादा लोग नहीं जाएंगे, एक जगह 100 से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं होंगे, होंगे सोशल डिस्टेंसिंग में होंगे जो भी होंगे वो, तो छठ माँ का त्योहार हो गया। आपके साप्ताहिक बाजार खुले हैं, आपके आप स्वयं अभी अभी वेडनेसडे को सारे रेस्टोरेंट 24/7 खोलने की अनुमति दे रहे हो और छठ को बैन कर दे रहे हो, बोल रहे हो छत पे छठ करो। अरे भैया, छठ घाटों को स्वच्छ करके छठ होता है, जल के किनारे छठ होता है, छत पे छठ नहीं होता है।
तो ऐसे में खुद अरविंद केजरीवाल जी दिवाली मनाने के लिए कितनी भीड़ के साथ अक्षरधाम मंदिर में टीवी पर लाइव कराए, क्या ये डबल स्टैंडर्ड है? तो फिर ऐसी स्थिति में जिनका दिया हुआ नमक आप खा रहे हो और उन्हीं के साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हो, फिर आप बताओ मैं क्या कहूँ। मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ, किसी व्यक्ति को नमक हरामी नहीं करनी चाहिए। जनता से नमक हरामी तो बहुत ही निंदनीय है। और मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप जिस तरह 24/7 रेस्टोरेंट्स खोलने का ऑर्डर किए हो, कोई गाइडलाइन नहीं लिया केंद्र से, जो गाइडलाइन है उसी के तहत आपने किया है, तो फिर छठ को भी आप परमिशन दो, रिस्ट्रिक्शंस लगाओ, भीड़ पे लगाओ, संख्या पे लगाओ, लेकिन अभी भी टाइम है, आप हमारे दर्द को समझिए। हम चाहते हैं कि छठ माँ का त्यौहार सोशल डिस्टेंसिंग के तहत करने दो। लोग स्वयं जागरूक हैं, जिनको करना होगा करेंगे, जिनको नहीं करना होगा करेंगे। आप गर्दन दबा के छठ माँ का त्यौहार रोकेंगे, इट इज नॉट गुड। तो सिर्फ दिल्ली सरकार ही नहीं, अब दिल्ली हाई कोर्ट ने भी छठ पर्व घाटों पर मनाने की इजाजत नहीं दी है, छठ पूजा मनाने की अनुमति नहीं है। दिल्ली हाई कोर्ट की ओर से कहा गया है सार्वजनिक जगहों पर छठ पूजा पर रोक। दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से अब से थोड़ी देर पहले ये फैसला दिल्ली हाई कोर्ट का। पूनम शर्मा हमारे संवाददाता से तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गई हैं। पूनम, अब तो सरकार के फैसले पर भी कोर्ट की मोहर लग गई है, अब किस तरीके से इसका पालन किया जाएगा, किस तरीके से इंतजाम किए जाएंगे ताकि लोग घाटों पर इकट्ठा ना हो सके? देखिए, हाईकोर्ट ने भी साफ कर दिया है कि जिस तरह के हालात हैं फिलहाल राजधानी दिल्ली में कोविड के, उसको देखते हुए किसी भी तरह की गैदरिंग को अलाउ नहीं किया जा सकता है। और हम सब जानते हैं कि छठ पूजा के दौरान हजारों लाखों लोग जो हैं वो पूजा के लिए एक साथ इकट्ठे होते हैं, तो ऐसी स्थिति को भांपते हुए कोर्ट ने इस पिटिशन को रिजेक्ट कर दिया है, जिसमें छठ पूजा के लिए इकट्ठा होने की बात की गई थी और परमिशन मांगी गई थी कोर्ट से, क्योंकि दिल्ली सरकार पहले ही इस पर जो है नोटिफिकेशन जारी कर चुकी है कि इस तरह से छठ पूजा इस बार नहीं होगी, लोग अपने घरों में ही छठ पूजा करें। कोर्ट ने इस पे पिटिशनर के खिलाफ भी सख्त टिप्पणी की और कहा कि किसी भी धर्म के फेस्टिवल को मनाने के लिए आपका जिंदा रहना पहले जरूरी है, तो क्या आप जिंदा नहीं रहना चाहते हैं? अगर इस तरह से गैदरिंग की परमिशन आप मांग रहे हैं तो सीधे तौर पर ये कोविड की स्थिति को और भयावह बनाने जैसी हालात पैदा करने के लिए होगा। तो कोर्ट ने साफ साफ इनकार कर दिया है कि किसी तरह की कोई परमिशन छठ मनाने के लिए इस बार नहीं दी जाएगी। दिल्ली सरकार का जो फैसला था उस पर आज कोर्ट ने भी अपनी मोहर लगा दी। यानी कि काफी हार्श कमेंट यहाँ पर कोर्ट की ओर से कि अगर जिंदा रहेंगे तभी कोई पर्व, तभी कोई त्योहार मना पाएंगे। बिल्कुल, और कोर्ट का साफ तौर पर कहना था कि जिस तरह के हालात हैं और जिसमें केंद्र सरकार राज्य सरकार मिलकर लगातार स्थिति को कंट्रोल करने की बात कर रही है, ऐसी स्थिति में जहां खुद अपने ही नोटिफिकेशंस को दिल्ली सरकार जो है वो वापस ले रही है, जो पुराने नोटिफिकेशन थे जिसमें 200 लोगों को इकट्ठे होने तक की इजाजत थी उसको अब घटाकर 50 कर दिया गया है और उसको भी बाद में फिर रिव्यू किया जाएगा। तो ऐसी स्थिति में जहां छठ पूजा को लेकर एक एक घाट पर लाखों लोग आते हैं दिन में, ऐसी स्थिति में अलाउ नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने साफ साफ इस याचिकाकर्ता को कह दिया और कोर्ट ने कह दिया कि रिलीजियस गैदरिंग जो होती है, जो सेलिब्रेशन होते हैं, उनके लिए पहले किसी भी व्यक्ति का जिंदा रहना जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया पूनम, इस तमाम जानकारी के लिए आपका। पूनम शर्मा हमारी संवाददाता बताई थी किस तरीके से अब दिल्ली हाई कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है कि अगर जिंदा रहोगे तभी कोई त्यौहार मना पाओगे। बहरहाल दिल्ली में फिलहाल लॉकडाउन के आसार नहीं है, इसके कोई संकेत अभी फिलहाल नहीं, लेकिन दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ने ऐलान किया है कि एक दिन पहले बाजार में अगर जरूरत पड़ी तो लॉकडाउन का प्रस्ताव केंद्र को भेजने की बात हो सकती है। लेकिन अगर जरूरत पड़े और सारी कोशिशों के बावजूद भी अगर किसी बाजार में हम देखते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का पालन नहीं किया जा रहा और वो एरिया एक तरह से लोकल कोरोना हॉटस्पॉट बन सकता है, तो उस वहाँ पे बाजार को कुछ दिनों के लिए एहतियात के तौर पे बंद करने की इजाज़त दिल्ली सरकार को दी जाए। मैं दुकानदारों को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि बिल्कुल भी न डरें और सरकार का लॉकडाउन का कोई इरादा नहीं है। सरकार चाहती है कि आपकी दुकान खुली रहे, लेकिन मार्केट एसोसिएशन से मेरी रिक्वेस्ट है कि त्यौहार के सीजन में जहां बहुत ज़्यादा भीड़ हुई, बहुत ज़्यादा अनप्रेसिडेंटेड तरीके से अनरेगुलेटेड भीड़ हुई, उसको खुद भी रेगुलेट करने की कोशिश करें, दुकानदार भी खुद रेगुलेट करने की कोशिश करें। मैं
कस्टमर्स से भी कहूंगा जो आम जनता है दुकानों पर जा रही है कि भीड़ के इस समय में, कोरोना के समय में भीड़ से बचें और मास्क लगा के चलें। जहां भी आपके पास में जाने की जरूरत है मास्क जरूर। जी बिल्कुल, लॉकडाउन बिल्कुल नहीं होगा, लॉकडाउन की कोई आवश्यकता भी नहीं है। आपने देखा था लॉकडाउन जब हुआ था उसका जो एक्सपीरियंस से जो सीखा हमने, तो उस लॉकडाउन को रिपीट करने का कोई लॉजिक नहीं बनता है, तो लॉकडाउन का कोई चांस नहीं। कोरोना के खिलाफ जंग में भारत में भी वैक्सीन बनाने की तैयारी जोर शोर से की जा रही है। इस कड़ी में विदेशी कंपनियों के साथ कई कंपनियों की साझेदारी है। रूस से एक कंपनी की साझेदारी में ट्रायल शुरू हो रहा है। और इस बीच स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने दावा किया है कि अगले साल की शुरुआत में वैक्सीन आ सकती है। सर्दी शुरू हुई नहीं कि कोरोना बहुत तेजी से फैलने लगा। ऐसे में बचाव के तमाम उपायों के बीच बड़ा सवाल ये है कि कोरोना की वैक्सीन कब आएगी और क्या उसमें हिंदुस्तान की कोई भूमिका है। वैक्सीन के तीन फॉर्मुलेशन ट्राई किए जाएंगे। सार्स कोविड जो वैक्सीन है उसके तीन सब यूनिट ट्राई किए जाएंगे और पहले फेज में हम ये देखते हैं कि सेफ है और डोज रेंज देखते हैं। तो ये फेज वन ट्रायल पहले होगा, उसके बाद फेज टू टू सी हाउ इम्यूनोजेनिक इज इट इज दैट इज फॉलोड सब्सिक्वेंटली बाय फेज थ्री जिसमें लार्जर पॉपुलेशन के साथ किया जाता है टू सी कि उसकी एफिकेसी और थेरेप्यूटिक बेनिफिट कितना दे रही है। भारत में राहत की खबर भारत बायोटेक की तरफ से आ रही है जो कोवैक्सीन नाम से वैक्सीन ला रही है। भारत बायोटेक ने तीसरे चरण का ट्रायल शुरू कर दिया है। इसमें भारत के 25 केंद्रों से 26,000 वॉलंटियर्स पर ट्रायल होगा। ये ट्रायल इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR की साझेदारी में हो रहा है। इन वॉलंटियर्स को अगले साल तक निगरानी में रखा जाएगा। भारत में ये COVID-19 वैक्सीन के लिए सबसे बड़ा क्लिनिकल ट्रायल है। भारत बायोटेक का जो वैक्सीन है वो अभी तीसरे दौर में उन्होंने करीब 26,000 लोगों का जो क्लिनिकल ट्रायल किया है वो नवंबर में उनका पूरा हो रहा है और उसके बाद वो ICMR को पूरी जांच के लिए भेजा जाएगा और हो सकता है दिसंबर एंड या जनवरी के पहले या दूसरे हफ्ते तक उनको ये उनका स्टडी जो है अगर उसमें पूरी बातें सही हो जा सकती है तो ही उनको ये बाजार में लाने की अनुमति मिल सकती है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कई बार अपने देश के बायोवैज्ञानिकों की सराहना कर चुके हैं और मनोबल भी बढ़ा चुके हैं। हमारे देश के वैज्ञानिक भी वैक्सीन के लिए जी जान से जुटे हैं। भारत में अभी कोरोना की कई वैक्सीन पर काम चल रहा है। इनमें कुछ एडवांस स्टेज पर हैं, आशास्पद स्थिति दिखती है। वैसे हिंदुस्तान में कोरोना से निपटने के लिए वैक्सीन के दूसरे पहलुओं को भी टटोला जा रहा है। रूस की स्पुतनिक वी वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल के लिए भारतीय कंपनी जुड़ चुकी है। डॉक्टर रेड्डी लैब को इसके लिए ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया की इजाजत मिल चुकी है। इसी लैब के लिए कानपुर का गणेश शंकर विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज वैक्सीन का दूसरे और तीसरे दौर का ह्यूमन ट्रायल करेगा। इस ट्रायल के लिए 180 से ज्यादा वॉलंटियर्स की सूची तैयार कर ली गई है। इन सभी को 7 महीने तक निगरानी में रखा जाएगा। दोनों कंपनियों के बीच जो करार हुआ है उसके मुताबिक डॉक्टर रेड्डीज लैब को वैक्सीन की 10 करोड़ डोज मिलेगी। रेड्डी लैब ने सेलेक्ट किया है और इसके परीक्षण के लिए हमारे एक लोकल एक कमेटी बनी है, 6 सदस्यीय टीम बनी है। उसके द्वारा मेडिकल एक होता है एथिकल कमेटी, उसे अप्रूवल मिल गया है। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जो DCGI ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया की तरफ से जैसे परमिशन मिलेगी तो वैसे हम यहाँ पर जो हमारे लिस्टेड कैंडिडेट हैं उनके द्वारा परीक्षण चालू होगा। COVID-19 के संक्रमण से बचाव के लिए भारत में उत्तर प्रदेश के कानपुर के गणेश शंकर विद्यार्थी मेमोरियल कॉलेज में स्पुतनिक 5 की पहली खेप अगले हफ्ते यहाँ पहुंच रही है जिसका क्लिनिकल परीक्षण यहाँ पर किया जाएगा। इसके साथ ही 180 से ज्यादा वॉलेंटियर्स ने इसके लिए अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। साथ ही इसमें देखने वाली बात यह है कि जो इस पूरे शोध के जो प्रमुख डॉक्टर है सौरभ अग्रवाल वो टीके की खुराक का निर्धारण करेंगे। हिंदुस्तान में दूसरे स्तर पर भी कई कोशिशें चल रही हैं। इसके तहत भारतीय कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने कोरोना की वैक्सीन बनाने के लिए दुनिया की 5 बड़ी कंपनियों के साथ करार किया है। कंपनी के मुताबिक दुनिया के हर इंसान तक वैक्सीन पहुंचने में
कम से कम 4 से 5 साल लगेंगे। सवाल ये है कि क्या हर हिंदुस्तानी को समय पे वैक्सीन मिल पाएगी। भारत बायोटेक की बात करें, ऐसी कंपनी जो हिंदुस्तान में कोविड-19 की वैक्सीन बना रही है वो फेज 3 ट्रायल में आ चुकी है। उम्मीद ये है कि अगले साल की शुरुआत में वैक्सीन हिंदुस्तान में अवेलेबल हो। हिंदुस्तान में इस वक्त कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है। बचाव के लिए सामाजिक दूरी और मास्क की बुनियादी चीजों से आगे वैक्सीन की दरकार है और उस दरकार पर सबकी नजरें गड़ी है। दिल्ली में ऐश्वर्या पालीवाल के साथ अभिषेक मिश्रा, कानपुर आज तक। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना इस कदर फैल चुका है कि सिस्टम के भी हाथ पांव फूलने लगे हैं। वैक्सीन जब आएगी तब आएगी, लेकिन उससे पहले यह सुगबुगाहट तेज हो गई कि क्या दिल्ली में फिर से लॉकडाउन लग सकता है। यहां ना सामाजिक दूरी का पालन हो रहा है, ना मास्क को जरूरी समझा जा रहा है। अस्पताल है लेकिन आईसीयू और बेड की कमी है। राजधानी दिल्ली में जैसे ही कोरोना का संक्रमण तीसरी बार रफ्तार पकड़ रहा है, अस्पतालों में बेड तो मुहैया है लेकिन आईसीयू क्षमता वाले बेड मुहैया नहीं है। दिल्ली सरकार कहती है कि उसके पास 7900 बेड तो हैं, लेकिन राजधानी में अगर संक्रमित मरीजों के ऊपर मुश्किलें बढ़ती हैं तो आईसीयू बेड की कमी हो सकती है। वैक्सीन की बात हो रही है लेकिन अभी दिल्ली दूर दिखती है। डेट देना बहुत मुश्किल है, लेकिन वैक्सीन के रिसर्च के मामले में भारत के वैज्ञानिक जो है दुनिया के वैज्ञानिकों की तरह बहुत अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। तो ऐसे में कोरोना कैपिटल बन चुके देश की राजधानी दिल्ली के पास अपने बचाव के लिए क्या विकल्प बचता है? क्या दिल्ली की जिंदगी पर फिर से बंदिशों का ताला लग सकता है? क्या फिर से लॉकडाउन के आसार नजर आते हैं? वो एरिया एक तरह से लोकल कोरोना हॉटस्पॉट बन सकता है, तो उस वहाँ पे बाजार को कुछ दिनों के लिए एहतियात के तौर पे बंद करने की इजाज़त दिल्ली सरकार को दी जाए, ऐसा प्रस्ताव अभी केंद्र सरकार को भेजा जा रहा है। आज दिल्ली अगर कोरोना को लेकर बहुत तनाव और दबाव में है तो इसके कारणों को समझ लीजिए। 10 नवंबर से 17 नवंबर तक के कोरोना के आंकड़ों को देखें तो साफ हो जाएगा कि हालात कितने बिगड़ चुके हैं। बीते 2 दिन यानी 16 और 17 नवंबर को बेशक ग्राफ में गिरावट आई हो, लेकिन इसे राहत का संकेत मानकर बैठा नहीं जा सकता। 11 नवंबर को 24 घंटे में संक्रमण का जो आंकड़ा जारी हुआ वो दिल्ली के लिए रिकॉर्ड बन गया। उस दिन रिकॉर्ड 8593 लोग संक्रमित हुए। 12 नवंबर को दिल्ली में सबसे ज्यादा 104 संक्रमितों की मौत हो गई। दिल्ली में कोरोना मौत का दूसरा नाम बनता जा रहा है। केजरीवाल सरकार के लिए केंद्र सरकार तक सबके माथे पर चिंता की लकीरें नाचने लगी। आशुतोष मिश्रा के साथ कुमार कुणाल, दिल्ली आज तक। कोरोना के मामले जैसे जैसे बढ़ रहे हैं वैसे दिल्ली अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। तीसरा वेव तो यह बताया गया है, लेकिन दिल्ली सरकार की तरफ से यह भी स्पष्ट किया गया है कि इसका पीक अब गुजर चुका है, लेकिन लगभग 8000 मामले दिल्ली ने एक दिन के भीतर देख लिया है। और अगर हम यहां पर हॉस्पिटल बेड्स की बात करें जिनकी संख्या बहुत तेजी से कम हो रही है, वो देखिए दिल्ली कोरोना का ये जो ऐप है उसमें आप साफ तौर पर देख लेंगे कि जो कोविड-19 बेड्स हैं वैसे तो कुल वेकेंट यहां पर 7615 दिखाए जा रहे हैं, लेकिन आईसीयू बेड्स जो वेंटिलेटर के साथ हैं या विदाउट वेंटिलेटर हैं उनकी संख्या बेहद कम। और यहां अगर इन बेड्स को आप देखिए तो लोकनायक जो अस्पताल है उसमें कुल संख्या ऐसे बेड्स की मात्र 6 रह गई है। और इसीलिए बहुत तेज रफ्तार से कोशिश ये की जा रही है कि अलग अलग हलकों से मदद मिल सके, जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के डॉक्टर्स हैं और उनका जो मेडिक स्टाफ है उनकी तैनाती की जा रही है ताकि दिल्ली जिस समस्या में है उससे उबरने में मदद मिल सके। हालांकि एक आरटीआई के अनुसार जो पिछले हफ्ते जारी किया गया आंकड़ा था उसके अनुसार जो दिल्ली में मौतें हो रही हैं उसका 24% ऐसे मरीजों का है जो बाहर के इलाकों से दिल्ली में आए हैं। वैसे भी देश भर के अलग अलग राज्यों से शहरों से दिल्ली आते हैं लोग अपने ट्रीटमेंट के लिए, और इसीलिए दिल्ली में जो चिकित्सा व्यवस्था है कोरोना को लेकर उसे पूरी तरीके से दुरुस्त होना ही होगा। कैमरा पर्सन हितेश कुमार के साथ श्वेता सिंह, दिल्ली आज तक।